शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में कोरोना महामारी के चलते कई दिशा निर्देश देकर कोविड 19 के नियमों में छूट दी गई, जिसमें शहर में कई व्यवसाय शुरू किए गए। यातायात के लिए ऑटो भी रास्तों पर दौड़ने लगे, लेकिन अब मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे इन्होंने फिर से ऑटो के पहियों पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद ऑटो चालकों को 2 सवारी की परमिशन दी गई थी, लेकिन अब मनपा आयुक्त द्वारा ऑटो पर रोक लगा दी गई है। मेरा नाम अब्दुल साहिद है, मैं ऑटो संगठन का नागपुर शहर अध्यक्ष हूँ। आज इसलिए हम लोग ऑटो वाले यहाँ जमा हुए हैं, कारण ये है कि अपने आयुक्त तुकाराम मुंडे जी ने जो ऑटो की परमिशन दी 2 सवारी ली जाने की गरीब ऑटो वाले को, वो भी उनने बंद कर दिए। कारण ये है कि कोरोना फैलता है बोलते ऑटो वाले से, लगे तो 3 सीट का परमिट ऑटो वालों का, तो सोशल डिस्टेंस का लेके ऑटो वाले 2 सवारी बिठा के चल रहे थे, मगर फिर भी गरीब ऑटो के लोग भी तुकाराम मुंडे सर ने बंद करा दिए। उनसे ये पूछना है कि ऑटो वालों से क्या परेशानी है, उससे तो कोरोना फैलता नहीं है, तो डॉक्टरों का भी कहना है, क्योंकि आर्थिक मदद को अभी तक महाराष्ट्र से कोई हमारे को ऑटो वालों से मिली नहीं है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने जो दिए 5,000-5,000 रुपये एक ऑटो वाले को हर महीने के महीने पैकेज दिया है, उसी तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र के ऑटो वालों को 5,000-5,000 रुपये देना चाहिए। इसके पहले हमने कलेक्टर साहब को ऐसे 8-10 बार हमने तो निवेदन दे चुके हैं, सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है। एक सोशल मीडिया के हिसाब से, आपके बीसीएन न्यूज़ के हिसाब से कि हम ऑटो वाले बुलाते तो आते, मगर सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। और दूसरी बात ये कि कल वारा डोंगरी में हमारा एक ऑटो वाले ने फांसी लगाया है, उसके पहले एक छिकाटे करके उड़केश्वर गए, उसने जहर खाया है, जिसके कि उसकी आज 8 दिन के बाद में आज डेट रात में, कल रात में 11 बजे डेट हो चुकी है, अभी हमको फ़ोन आया है। और दूसरी ये बात है, हमको ये 2 सवारी की परमिशन देना चाहिए ऑटो वालों को, आर्थिक मदद महाराष्ट्र सरकार से मिलना चाहिए। यह मांग पूरी, और जैसा कि हमारे ऑटो बंद करा दिए सर ने महाराष्ट्र सरकार, तो हमारे से जैसे ओला उबेर चलती है जो, तो हम उनको, हम रोड पे आके ओला उबेर की सवारी उतार के और उनकी गाड़ी खाली करेंगे, हम रोड पे आके ऐसा आगे चल के करने वाले, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके हैं ऑटो वाले हद से ज़्यादा पर, क्योंकि हमारे भूखमरी आ चुकी है ऑटो वालों पर, इसलिए जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, घर बीबी बाल बच्चे रोज को कीक मारेंगे तो भीख मांगेंगे और गुजारा चलेगा ऑटो वाले का, ऐसी कंडीशन है ऑटो वाले की। मेरा नाम इमरान खान है, मैं पार्टी से ऑटो चलाता हूँ। मेरा माननीय तुकाराम मुंडे जी से ये कहना है कि सर अब आप हमारे को 2 सवारी का ऑटो परमिशन चलाने के लिए परमिशन दीजिए। हम सर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजर के साथ, पूरा कानून के साथ फॉलो करके सर हम ऑटो चलाना चाहते हैं, पर जो ज़्यादा अवैध सवारी जो बैठालता है आप उस पर सर बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में सर आपके। हम भी चाहते हैं कि कोरोना का जो प्रकोप जो बढ़ रहा है उस वजह से पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजर के साथ व्यवसाय होना चाहिए, लेकिन हमारा जो गरीबों का जो ऑटो व्यवसाय है हमने सर कैसा करना चाहिए, ये हमारी मांगनी है कि हम आप ही बताइए हम किस तरह से हमारा व्यवसाय करें। आज 4-5 महीने का जमाना हो गया, हमको प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो हमने कैसा करना, हम अपने घर का गुजारा कैसा करेंगे। जो सर अवैध सवारी बढ़ा रहा, जो ज़्यादा सवारी बढ़ा रहा है, आप उस पर बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, उस पर हम बिल्कुल आपके सपोर्ट में है, साथ में है, बस मेरा इतना ही कहना है, थैंक यू। ऑटो चालकों द्वारा मांग की गई है कि 2 सवारी को लेकर ऑटो चलाने की अनुमति दी जाए ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद नईम, मैं पाड़ी ऑटो स्टैंड से ऑटो चलाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुकाराम मुंडे ने सिर्फ सारे कायदे कानून ऑटो वाले के लिए ही बनाए। पूरे नागपुर शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, इसका सारा जिम्मेदार ऑटो वाले को थोप दिया गया है। सिर्फ ऑटो वालों से ही कोरोना बढ़ता है क्या? पुलिस प्रशासन के सामने ई रिक्शा वाले 6-6 सवारी, 7-7 सवारी भर के लेके जा रही है, लेकिन ऑटो वाला अगर 2-3 सवारी पे जा रहा है तो उसको 5,000 का चालान। आज की सुबह की ये घटना, एक पेशेंट को एक ऑटो वाला लेके जा रहा है, उसके पास दवाखाने की फाइल होने के बावजूद भी गांधीबाग चौक पर उसको 500 रुपये का चालान दिया गया है, तो ये इंसाफ ठीक है क्या? तुकाराम मुंडे से पूछना चाहते हैं हम। और सिर्फ कोरोना ऑटो वालों से ही बढ़ रहा है क्या? ई रिक्शा पे कोई कार्रवाई नहीं होती क्या? उस पर कोरोना नहीं होता है क्या? उसमें सोशल डिस्टेंस का कोई कानून नहीं है क्या? बस ये कहना चाहता हूँ मैं। साथ ही इन ऑटो चालकों का कहना है कि ओला उबेर को परमिशन दी गई है, लेकिन ऑटो चालकों को 2 सवारी की परमिशन रद्द की गई है, यह कहाँ का इंसाफ है? जल्द से जल्द 2 सवारी को लेकर ऑटो चलाने की
अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाए ताकि कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे ऑटो चालकों को निजात मिले। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।